मेरे बेटे नित्या डांस प्रोग्राम के लिए कहीं थी सर। अभी तक उसका कुछ पता नहीं चल रहा है। आप लोग बैठे, प्लीज बैठे। सर मेरी बेटी नित्या डांस प्रोग्राम के लिए गई थी, शाम को लौटना था सर। लेकिन सर उसका आपको चाहता पता नहीं है सर, अभी तक फोन पे बता रहा हूँ उसका। कहाँ था ये प्रोग्राम? गुड़गांव में सर। अकेले गई थी या किसी के साथ गई थी? गुरुजी के साथ गई थी, रोहिणी चौक के पास उसका डांस कला केंद्र है। क्या उम्र है उसकी? 22 साल सर। उसके दोस्तों से बात की आप लोगों? जी सब सबसे बात कर ली सर, कहीं नहीं है वो। उसको कोई बॉयफ्रेंड नहीं? नहीं सर, कोई बॉयफ्रेंड नहीं है सर उसका। कोई तस्वीर है उसकी? जी। मनोज सर, ये डांस क्लास और जहाँ प्रोग्राम हुआ था उसका एड्रेस लो। ओके सर। आप लोग निश्चिंत रहे, मैं पता करता हूँ। सर प्लीज। 12 घंटे के ऊपर हो गया ऐसे कुछ फोन मिस करना कुछ। आप बिल्कुल निश्चिंत रहे, हम अभी पता करेंगे इसके बारे में। सर प्लीज एड्रेस नोट डाउन करो। सर कल हमारे संस्थान का फाउंडेशन डे था, इसलिए हमने हमारे बच्चों के लिए एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया था। बाहर से बहुत सारे आर्टिस्ट को बुलाया था, यंग आर्टिस्ट को। ये नित्या शर्मा। जी जी, ये भी आई थी और इसके साथ दूसरे आर्टिस्ट भी थे। आपका प्रोग्राम कितने बजे तक चला था? तकरीबन 8:15 बजे तक, 8:30 बजे तक ओवर हो गया था। और वैसे भी हमारे यहाँ के बच्चे 9 बजे तक खा पी के सो जाते हैं। हाँ लेकिन ये भी चली गई होगी सर, ये यहाँ रुकी नहीं थी। इसके साथ कोई आया था इसका गुरु? नहीं सर, मैं ठीक ठीक नहीं कह सकता हूँ। क्या है ना कि कल काफ़ी भीड़ भाड़ थी, अब यहाँ कौन किसके साथ आया किसके साथ गया ये कहना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन हमारा कंपाउंड 9 बजे बंद हो गया था। क्या नाम है तुम्हारा? ये बच्चे सुन बोल नहीं सकते। सर हमें नित्या के डांस स्कूल में पता करना होगा। ये इन लोगों का रोज का है सर, हरामारी करते हैं और न्यूसेंस क्रिएट करते हैं। कोई नहीं सर, ये होता रहता है। नित्या के साथ दुष्कर्म हुआ है और एक नहीं कई लोगों ने किया है, फिर गला घुटकर मार दिया उसे। सर फिर तो ये प्रभात का अकेले का काम नहीं लगता। ये प्रभात का काम नहीं भी हो सकता मनोज, पर वो इस चीज से इनकार भी कर रहा है। उसके पास मोटिव तो है लेकिन हमारे पास उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं है। एक काम करो सर, उसका DNA टेस्ट करो। लेकिन इस बीच हमें दूसरा रास्ता इख्तियार करना पड़ेगा। कौन सा रास्ता सर? सहयोग बाल कल्याण के। देखिए सर, मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, हमारे यहाँ फंक्शन था और 8 बजे तक फंक्शन खत्म हो गया था। 8:30 बजे सारे बच्चे चले गए थे और इनफैक्ट 9 बजे तक हमारा गेट भी बंद हो गया था। बस इतना ही जानता हूँ मैं। पर किसी ने तो नित्या को जाते हुए देखा होगा ना यहाँ से? सर अब मैं ठीक ठीक नहीं बता सकता हूँ इस बारे में। आपको चाहिए तो आप यहाँ के स्टाफ से, मेरे स्टाफ से एक बार पूछ सकते हैं। इसे देखा है? फंक्शन में आई थी ये। फंक्शन के बाद कहाँ गई कुछ पता है? ये आई थी लेकिन कार्यक्रम के बाद कहाँ गई वो नहीं पता। पर ये तो पता होगा ना कि कौन आया, कितने लोग आए, कब गए, इसे रखा रिकॉर्ड। मैं अंदर चाय और पानी दे रहा था, अब कौन आया कौन गया मुझे नहीं मालूम साहब। वैसे मेरा अंदाजा भी यही था सर, अब जितनी जानकारी मुझे होगी मेरे स्टाफ को भी शायद उतना ही पता हो। सर शायद इन बच्चों को कुछ मालूम हो। सही कह रहे तुम, ये सुन बोल नहीं सकते लेकिन पढ़ लिख तो सकते हैं। सर मुझे नहीं लगता कि बच्चे आपकी कोई हेल्प कर पाएंगे, क्या है कि अशिक्षित बच्चे हैं। पर इन्हें पढ़ाते लिखाते तो होंगे आप? जी बिल्कुल पढ़ाते हैं, लेकिन क्या है ना सर कि हमारा ये संस्थान अभी 1 साल पहले ही ओपन हुआ है और उस रोज़ इसकी एनिवर्सरी हम लोग सेलिब्रेट कर रहे थे। और वैसे भी सर ये बच्चे अनाथालयों से लाए गए हैं और फुटपाथ से लाए गए हैं, तो ये उतने ट्रेंड नहीं है, इनकी अभी बेसिक लेवल की तैयारी हो रही है। एनीवे थैंक यू। वेलकम सर। थैंक्स। सर इधर से तो कोई सुराग नहीं मिला। ये भी अजीब बात है, लड़कियां आई डांस किया और किसी ने उसे जाते हुए नहीं देखा, बच्चे तो कुछ कह ही नहीं सकते।
यहाँ प्रोग्राम हुआ था ना? हाँ सर। इसको यहाँ देखा था आते हुए? हाँ सर, आते टाइम देखा था साहब, एक ऑटो में बैठ के आई थी साहब। प्रोग्राम खत्म होने के बाद जाते हुए देखा? सब जाते समय नहीं देखा था वो साहब, प्रोग्राम था ना, बहुत सारी गाड़ियाँ आई थी। अब ये किसमें निकली होगी साहब पता नहीं। किसमें निकली होगी ये तो हमें वही बताएगा। क्यों मारा उसको? क्यों मारा उसको? सर मैंने नहीं मारा उसको सर। उसके माँ बाप गुरु जी का कहना था कि तू साथ गया था उसके। बोल क्यों मारा उसको? क्यों मारा उसको? बोल। गया था मैं सर, पर वो मेरे पीछे पीछे क्यों आ रहे हैं? नित्या मैं चलता हूँ ना तुम्हारे साथ, मैं छोड़ दूंगा तुम्हें। मैंने बोला ना कोई जरूरत नहीं है। नित्या तुम अकेली कैसे जाओगी बाबा? मैं अकेले मैनेज कर लूंगी, आप प्लीज वापस चले जाइए। क्या तुम लड़की हो, तुम कैसे जाओगी? मैं चलता हूँ ना तुम्हारे साथ। तो आपकी कोई जरूरत नहीं है, मैं अकेले जा सकती हूँ। ऑटो। नित्या मेरी बात तो सुनो। नित्या मैं चलता हूँ ना तुम्हारे साथ यार। नित्या प्लीज, नित्या मेरी बात तो सुनो यार। नित्या सर वो मेरे सामने एक ऑटो में निकल गई थी। कौन से ऑटो में गई थी? ऑटो वाले का हुलिया याद है? सर याद नहीं है सर, उस दिन सब कुछ इतना अचानक हुआ कि मुझे। कहाँ से ऑटो लिया था? सर कला केंद्र के पास से। सर कला केंद्र पास तो रोहिणी मोड़ है और वहाँ पर आसपास कई ऑटो स्टैंड है। जो भी हो पता करो किस ऑटो में गई थी। ओके सर। इसको देखा है कहीं? नहीं सर, मैंने नहीं देखा। अरे सुनो, इस लड़के को पहचानते हो? शायद कभी ड्रॉप किया हो अगल बगल कहीं। हाँ सर, याद आया, ये मैडम मेरे साथ गई थी गुड़गावा। गुड़गावा में कहाँ छोड़ा था तुमने इसे? ये कोई स्कूल था साहब। ये अकेले थी या इसके साथ कोई और भी था? नहीं साहब कोई नहीं था, अकेली थी। भैया मुझे इधर ना दो एक घंटे का काम है, तो अगर आप रुक सकते हो तो मुझे वापस पश्चिम विहार छोड़ देना। ठीक है मैम, ये लोग मुझे अंदर गाड़ी पार्क नहीं करने देंगे तो मैं आपको यही मिलूंगा। ठीक है। मर गई ये लड़की, दुष्कर्म हुआ इसके साथ और एक नहीं कई लोगों ने किया और फिर गला घोटकर मार दिया इसको। समझ रहे हो तुम कुछ? कुछ बात आ रही है तुम्हारे? सर ये गुंगा और बहरा है, इसको ये सब बोलने से कोई फायदा नहीं। फायदा है मनोज। क्योंकि ये बोल सुन सकता है। सर आपको कैसे पता चला कि ये? इसके चेहरे की ओर देखो, गूंगे बहरों की मासूमियत नहीं है, सतर्कता नहीं है, चौकन्नापन नहीं है, वो बोल सकता है और सुन सकता है। रवि ने कुछ देखा था, रवि ने क्या देखा था ये हमें बताएगा। चल अब सीधी तरह से बोल दे, समझा? वरना ऐसी खातिरदारी करूंगा तेरी कि हमेशा के लिए आवाज खो बैठेगा अपनी। चल बोल। बताता हूँ, हम नौकरी के लिए भटक रहे थे, हम अपने गांव से अपनी फैमिली छोड़कर आए थे। हमारे गांव का एक आदमी था जो उस गूंगा बहरा संस्थान में रमेश नागपाल को जानता था। हम उसके पैरों में पड़े और साबू हमको नौकरी पे रख लिया। वो कहे साहब हमसे बिल्कुल कंट्रोल नहीं होता औरत और लड़की लोग को देखकर। देर रात संस्थान में हम लड़की लोग के कमरा में जाते थे, कभी कोई कुछ नहीं बोला साहब। पर साहब एक दिन रवि ने हमको देखा, साहब को भी बोला, साहब ने कुछ नहीं कहा। तो
तुम सुन बोल सकते हो ना? तुम मेरे काम के आदमी हो सकते हो? वो कहा ना साहब कि रमेश साहब भी शौक रखता है। उस रोज संस्थान का फाउंडर्स डे था साहब, बहुत से कलाकार डांसर्स आए हुए थे, साहब के मेहमान भी आए हुए थे। साहब ने हमें बुलाकर बोला प्रोग्राम के बाद उसे लेकर आ। प्रोग्राम के बाद वो लड़की जा रही थी, हम उसका हाथ पकड़े, उसका मुंह दबोच और घसीट कर उसे हम अंदर ले गए। साहब उसे हम जंगल में फेंक कर आ गए। क्या बोल रही है? बाप रे। चुप हो जा बेटा, चुप हो जा। तेरे बाबा ने सुन लिया ना तो गजब हो जाएगा बेटा, चुप हो जा। आई पर कुछ नहीं बेटा, आजकल शादी के पहले ये सब होता है। हाँ यार कुछ मजा नहीं आया, मैंने बहुत कोशिश की लेकिन मजा नहीं आया। वो सुप्रिया बहुत डर गई थी यार, उसे समझाने उसे चुप कराने बहुत टाइम गया। अरे यार तो टेंशन क्यों ले रहे हैं? हो जाएगा, तुझे सीखना और सिखाना भी पड़ेगा। मतलब? एक मिनट, ये देख, ये दिखा उसको, सेक्स का नया पेंद्रा है बॉस, फिर देख जलवे जलवे। हाँ ऐसा भी होता है। ने तो कहा था आई बाबा से मिलाने ले जा रहे हैं, फिर ताला क्यों है? वो आ जाएंगे अभी, तुम पहले अंदर चलो। लेकिन सरप्राइज है तुम्हारे लिए, चलो आओ बगना, मस्त है ना? ये क्या है, ये आप मुझे क्या दिखा रहे हैं? अरे देखोगी तब पता चलेगा ना क्या है ये। नीलेश ये सब गंदा है, मुझे नहीं देखना। अरे शादी के पहले सब लोग देखते हैं ये। देखो ये देखो। अरे 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 एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ये देखो बंद किया बस। अरे पहली बार घर पे आई हो, पूरा घर तो देख लो। चलो मैं अपना बेडरूम दिखाता हूँ। आपने दरवाजा क्यों लॉक किया? अरे डरो मत, शादी के बाद ये हमारा बेडरूम होगा। बेडरूम में क्या क्या होता है पता है ना? सो के देखो। क्या मतलब बेड अच्छा है कि नहीं ये देखो। देखो अच्छा है, ऐसे नहीं सो के देखो, देखो ना देखो। ये क्या कर रहे हो आप? नहीं नीलेश, नहीं प्लीज प्लीज प्लीज, ऐसा मत करो प्लीज। ये आप क्या कर रहे हैं नीलेश? नीलेश नहीं प्लीज,
नीलेश आप क्या कर रहे हैं? नीलेश नहीं, डरो मत, हमारी शादी होने वाली है। शादी होने वाली है, हुई नहीं है अभी तक। नीलेश प्लीज अभी तक रुक जाओ, प्लीज ऐसा मत करो, प्लीज नीलेश मुझे छोड़ दो। ये देखो हमें ये करना है, चिल्लाना मत। सॉरी मैं थोड़ा बहक गया था। ये लो कपड़े पहन लो। ये तो होता ही है, मेरे सारे दोस्तों ने किया है। सर सर नीलेश का मोबाइल ऑन हुआ है, लोकेशन मुंबई दिखा रहा है। तुम गावड़े को साथ ले लो और मुंबई के लिए निकलो। साहब मुझे इस बारे में कुछ पता नहीं, पर ये मोबाइल है ना, एक टेम्पो ड्राइवर ने लाके बेचा था, वो एक थैली में लाया था। वो थैली है आपके पास? हाँ साहब। कोल्हापुर का एड्रेस भी, और कुछ याद करो, कोई खास बात? कुछ खास नहीं साहब, कोल्हापुरी मराठी में बात कर रहा था। गावड़े, कोल्हापुर में रहने वाले जितने भी टेम्पो ड्राइवर है सबका बायोडाटा निकालो, आरटीओ से डिटेल निकालो, टेम्पो यूनियन में जाके पूछताछ करो। कोल्हापुर में रहने वाला मराठी ड्राइवर है, टेम्पो का मेक 407, जल्द से जल्द रिपोर्ट निकालो। साहब कौन था इसमें से? क्या कशाला घुसतो राव? माल टाकला नाही मी तुझा, अरे तुला माल पाहिजे का? मी साहब ये था, पटपट बोलायचं, ज्यादा शाना बनने की कोशिश मत कर, बोल। मैंने कुछ नहीं किया साहब, मैं परसों माल लेके मुंबई गया था, वहां से लौटते टाइम वो मोबाइल मेरे टेम्पो में पाया मैंने सर, मुझे लगा 200-400 रुपये उसका आ जाएगा। कोल्हापुर मुंबई कौन से रोड से गया था? साहब सरोज ढाबा कोल्हापुर हाईवे से। सरोज ढाबा कोल्हापुर हाईवे। सर सबके मोबाइल लोकेशन ट्रेस किए, जिस वक्त टेम्पो ड्राइवर सरोज ढाबे पे था उस वक्त सोपान का मोबाइल लोकेशन भी वही था। चल बोल। साहब मैं वहां बहुत बार जाता था, वो शराब पीने के लिए। आपको चाहिए तो आप बार के मालिक से पूछ लो ना, मैं झूठ नहीं बोलता साहब। ये ऐसा नहीं बोलेगा, लेकिन ये तो तय है कि इसका कुछ ना कुछ कनेक्शन है इस केस के साथ। इन्हें काम करो, उसे ऐसा फील कराओ जैसे हमें उसकी बात पे यकीन हो गया है, और उसे छोड़ दो। अगले 24 घंटे उस पर कड़ी नजर रखो। ओके सर। सोपान बहुत पहुंची हुई चीज लगता है, अब तक शमशान की लकड़ियां जो ब्लैक में बेकरी वाले को बेच रहा था किसी को खबर नहीं थी। शिंदे इसका मतलब आज तक जो लकड़ी का रिकॉर्ड उसने दिखाया वो सब झूठ था। अब जाके ये केस सही रास्ते पे आ रहा है। मेरी बात हा? अरे कैलाश तूने नई वीडियो देखी है? देखो मजा आएगा, देखो रुको।
उसने मेरा भी फायदा उठाया साहब। उसके बाद वो रोज आने लगा। एक क्राइम की रिपोर्ट पुलिस में करने के बदले कानून को अपने हाथ में लेना तुम्हें ज्यादा आसान लगा, क्यों? क्योंकि उसने क्या सारा दिन किताबों में घुसी रहती हो? चलो कहीं घूम के आते, मेरे पास कुछ ऐसा है ना जो देखकर तुम्हें बहुत मजा आएगा। बबलराव को बता क्यों नहीं देती? नहीं बता सकती मैं दादा, अगर इस बार सुप्रिया की शादी टूटी तो वापस नहीं हो पाएगी। शादी होने के बाद वो सुधर जाएगा, इसका क्या भरोसा है? ये सब तो मैंने सोचना भी छोड़ दिया है। मुझे अब बस यही चिंता है कि कहीं वो विशाखा को भी। तुम्हें उस वीडियो की वजह से डर लग रहा है ना? अगर हमने उसका मोबाइल छीन लिया और उसमें से वो वीडियो मिटा दिया तो हाँ बोला। आज हम मेरे भाई के घर पर ही मिलेंगे, वो दो दिन के लिए बाहर गया है और घर खाली है। और विशाखा, वो आज भी नहीं आए तो? नहीं नहीं, वो भी आएगी ना मेरे साथ। अच्छा तो ठीक है। विशाखा देख, अरे मोबाइल देख, कौन है तू? मोबाइल देख, अरे मुँ, 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 मुँ। लड़की कहाँ है? सुप्रिया, सुप्रिया को मैंने सोलापुर में अपनी बहन के यहाँ भेज दिया था। आपने क्यों मारा उसे? लड़की को बहन के यहाँ भेज दिया और नीलेश को यहाँ मारा? तुमने सुप्रिया की शादी के लिए ये सब बर्दाश्त किया, वो तो नहीं हो पाई और बदनामी भी हो गई, पूरा परिवार तबाह हो गया। नीलेश को तो सजा मिलनी चाहिए थी, लेकिन ऐसे नहीं जैसे मिली। ने भी तो दे दे थोड़ा सा। भाई साहब क्या कर रहे हैं आप? भाई साहब ना अजीत बोलिया करो, अच्छा लगता है। अरे अरे मेरे पास आ, कितना अकट गया है बदन, दबा दो थोड़ा सा। नहीं। अरे इधर तो आप क्यों कर रहे हैं आप? छोड़ो, बचाओ बचाओ। क्या क्या हो गया?
कौन है जो मुझे मारना चाहता है? अरे कौन है? मेरा गला दबा के मुझे मारने की कोशिश क्या हो गया? यहीं से भागा है, यहीं से भागा। अरे मन ने तो सब जगह देख लिया, बाहर भी देखा, कोई ना मिला। तूने पक्का देखा था? पक्का भाई साहब, जैसे उसने मेरे पे हमला किया मैं जग गया, फिर मेरी चीख मारने पे वो भाग गया। भागते हुए मैंने उसकी परछाई भी देखी थी। हमें पुलिस को ना बाबा ना, सबसे पहले तो वो हमें पे शक करेंगे, हमें ना पड़ना पुलिस पुलिस के चक्कर में। हाँ सही तो कह रही है, भाई सो रहा था, सपना देखा होगा, ये सब वहम भी तो हो सकता है। इस बात पे पुलिस को बुलाने की क्या जरूरत है? मैंने कहा ना कोई था, मतलब था। मैंने अंदर ले चल। प्रिया पराठे खाई, मैं चाय लेकर आती हूँ। अब प्रिया हाँ? शक्कर लेके आना, दही में डालनी है। जी तो भाई ये तो कैसा है, कल तो सारे घर की नींद उड़ा दी तुमने। विद्या कल तुम मेरे आने से पहले ही चली गई। मैं माँ जी को बता के गई थी मैडम जी। बात बता के जाने की नहीं है, खैर अभी ज्यादा रुकना पड़े तो रुक जाना, मैं ओवर टाइम के पैसे दे दूंगी। ठीक है जी मैडम जी। मैंने कल सबको ABCD लर्न करने को बोला था, किन्होंने किया है? मैंने। बोलो बोलो। प्रिया क्या हुआ, कोई इमरजेंसी? तुम मुझे घर तक छोड़ दोगे? हाँ चलो ना, क्या हुआ, सब ठीक तो है? सनी क्या जरूरत थी आपको पर्दे को लगाने की? हाथ रघु को बोल दिया होता। जिस घर में सारे मेरे को मारना चाहते हैं उसको क्या पड़ी है? कौन सुनेगा मेरी बात है? सर जी सन्नी दहिया के नाम इंश्योरेंस पॉलिसी थी 50 लाख की, शायद इन्हीं पैसों के लिए कोई सन्नी को मारना चाहता हो। फोन रिकॉर्ड्स प्रिया के, जिस रात उसका खून हुआ वो किसी से बात कर रही थी, आनंद चौहान से। ये आनंद चौहान साहब को ले आओ तो जरा, मतलब कुछ था तुम दोनों के बीच। मेरे दिल में, पर प्रिया मुझे अच्छा दोस्त मानती थी इसलिए बात कभी आगे बढ़ी नहीं। दोस्त? कौन सी शादीशुदा औरत एक गैर मर्द दोस्त के साथ देर रात फोन पे बातें करती है, वो भी उस रात को जिस रात उसका कत्ल हुआ। क्या बातें हो रही थी तुम दोनों के बीच में? हेलो हेलो आनंद, आज अजीत ने फिर से हद कर दी। रिंकी सो रही थी तो मेरे कमरे में आया था और उसने फिर से जबरदस्ती करने की कोशिश की। मैंने चीखने की धमकी दी फिर चले गए, पता नहीं कब तक ये चलता रहेगा। प्रिया ये सब बातें तुमको संदीप को बता देनी चाहिए। नहीं नहीं मैं सनी को नहीं बता सकती, वो बहुत परेशान है और उस पर बहुत सारे बोझ है, मैं उसे परेशान नहीं करना चाहती। मुझे लगता है कि शायद अजीत फिर से आया और कॉल कट गया, शायद अजीत वापस आ गया था। आप मारे को इस तरह, मैंने कोई अपराध थोड़ी किया से,
आनंद चौहान को जानते हो? उसने बताया हमें कि तुमने कई बार प्रिया के साथ जबरदस्ती की। चौहान एक नंबर का झूठा से साहब जी, जलता मारे थे। प्रिया को किसी के साथ बांटना नहीं चाहता। तुमने प्रिया के साथ जबरदस्ती की, प्रिया ने खुद ये बात फोन करके आनंद को बताई थी। मैंने कोई जबरदस्ती नहीं की सर जी, मैं तो उससे वही मांग रहा था जो वो सबको दे रही थी, आनंद को और यहां तक कि वो नौकर रघु को भी। और पता नहीं उसके कितने आशिक थे। मैंने सोचा भाई उसकी जो जरूरतें हैं उनको मैं पूरी कर देता हूँ, घर की बात घर में रह जाएगी, समझ रहे ना आप। मैं तो साहब जी उस पर एहसान कर रहा था। और उस रात उसने तेरे इस एहसान को ठुकरा दिया तो तूने उसकी जान ले ली। मैंने साहब जी किसी की जान नहीं ली, मैंने कुछ नहीं किया। तूने पहले पैसों के लिए अपने भाई की जान लेने की कोशिश की 3 बार, तो 3 बार नाकाम रहा। फिर उसी फ्रस्ट्रेशन में, उसी मायूसी में तूने प्रिया को मार दिया ना। कसम खा के कहता हूं साहब जी, मैंने किसी को नहीं मारा। मैंने सच तो मैं तुझसे उगलवा लूंगा। जोर इस्तेमाल करने के बाद भी पुलिस अजीत से कुछ नहीं बुलवा पाई। आखिरी नंबर 8477, हाथ से निकल ना पाए। ओवरटेक करो जल्दी। मैंने ही अपनी जान पर झूठे हमले करवाए थे विद्या की मदद से। क्यों किया तुमने ये? ताकि तुम पर कोई शक ना करे जब तुम अपनी पत्नी और अपनी बेटी का कत्ल करो। उसके ना जाए संबंध है साहब। इधर मैं अपनी व्हीलचेयर पर सड़ रहा था और वो गुल छर्रे उड़ा रही थी मेरे भाई के साथ, हमारे नौकर के साथ, और वो उसका आशिक, उसके स्कूल में काम करने वाला टीचर। मैं जानता था ये प्रिया की जरूरत है, लेकिन ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सका और मैंने उसे मार दी। विद्या तुम इस वक्त यहां पर क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो भाई? लेकिन बेटी ने क्या बिगाड़ा था? वो तो तेरी अपनी बेटी थी ना, उसे तो बख्श देता। मेरी रिंकी साहब, उसे मैं खनोज भी नहीं आने देता, लेकिन वो जग गई। मम्मी के साथ क्या कर रहे हो? मम्मी को डर लग रहा होगा ना? उसने मेरा भरोसा तोड़ा था सा, इसलिए मारा मैंने। उसका कोई चक्कर वक्कर नहीं था, वो सिर्फ तुझसे प्यार करती थी, तेरे और तेरी बेटी के लिए जीती थी वो। आप झूठ बोल रहे हो साहब, मुझे सब बताया विद्या ने। अरे विद्या ने तुझसे झूठ बोला था। मैं जानती थी कि उनके घर वालों ने साहब जी और मैडम जी के बीच एक दीवार खड़ी कर दी है, उनसे झूठ बोला और मैंने उस झूठ का फायदा उठाया।
उस झूठ को और बड़ा बना दिया सर जी। मैंने साहब जी को यकीन दिलाया कि इनकी बीवी के नाजायज संबंध है कई मर्दों के साथ। फोन से बदला लेना चाहते थे, मैंने उनकी मदद की। वो मुझे आज दिल्ली लेकर जा रहे थे और उन्होंने मुझे ढेर सारे पैसे देने का वादा भी किया था। सब झूठ था और उस झूठ को तूने अपने ख्यालों से और बड़ा बना दिया। वहम था तेरा, तेरे अंदर इस शक को पैदा करके उन्होंने तेरा इस्तेमाल करके तुझे तेरी पत्नी और बेटी का कत्ल कराया। वो पत्नी जो सिर्फ तुझसे प्यार करती थी, तेरे लिए जीती थी, वो बेटी जो तेरी पहली और आखिरी संतान थी, उसे भी बेरहमी से मार दिया तूने। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.